फेक वीडियो नहीं है, वो पोर्न वीडियो किसी पोर्न स्टार की वीडियो है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमल शाह साहब के साथ जिस तरह आजम सवाती के साथ मामला पेश आया, वैसी ही चीजें हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन, हर वर्कर को दबाने के लिए डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल, डीप फेक वीडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खातून इस मामले पर बोल पड़ी हैं। अब जरा सुनिए ये क्या कहती हैं और यहाँ थम्स अप करना मत भूलिएगा। एक पोर्न वीडियो पे मेरी तस्वीर और नाम लगा के चलाया गया, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह फेक वीडियो नहीं है, वो पोर्न वीडियो किसी पोर्न स्टार की वीडियो है और 2011, 14, 18 में चलती रही है। उसके ऊपर सिर्फ मेरी असेंबली की तस्वीर और नाम लगा के नून लीग के मीडिया सेल ने पूरी चलाई है। और डर्टी हैरी जो जनरल फैसल नसीर साहब का पूरा विंग जो जिस तरीके से काम कर रहा था उसमें भी कुछ लोग शामिल हैं। मुझे बड़े बड़े लोगों ने बताया है कि जी हमें रात को ये भेजी जाती है और सवाल पूछे जाते हैं, आपका ख्याल है यही है ना जी मोहतरमा या नहीं है। तो कोई हद हो गई है, शर्म कर लें। अगर आप सियासी आर्ग्यूमेंट से या आप करप्शन उससे हरा नहीं सके, करप्शन आप ढूंढ नहीं सके, वैसे आप खरीद नहीं सके, तो अब आप कैरेक्टर असैसिनेशन करके तोड़ना चाहते हैं। हम तो नहीं टूट रही हैं, लेकिन माशरे का जो आपका फैब्रिक है, जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है, वो आपने तबाह कर दिया। साथियों देखा आपने, इन्होंने तमाम तफसील आपके सामने रखी। मुल्क में ये हालात हैं कि हुकूमत ये सब करवा रही है। क्या बेहयाई में कोई और कमी रह गई थी? क्या हुकूमत की माएँ बहनें बेटियां या उनमें ख्वातीन मौजूद नहीं हैं? अगर तूफान बदतमीजी एक बरपा होना शुरू हो गया तो ये बात हर किस भूलनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़कर आ गए। मरियम नवाज समेत कोई भी बच नहीं पाएगा। तो आप अपनी राय दीजिएगा वीडियो के हवाले से। प्लीज़ थम्स अप करने के साथ साथ हमें सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, सेलेक्ट द नोटिफिकेशन ऑल।